सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों का आरपीएफ के एग्ज़ाम के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में खास करके आप लोग के आरपीएफ के बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस जो होता है वो डिफेंस के लिए ही होता है अधिकांश। ठीक है, मैं जो अपडेट देता हूँ अधिकांश डिफेंस के लिए ही देता हूँ, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हो, है ना। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग का आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम है, अगर आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, तो आप लोग का आरपीएफ के पहले ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग का रेलवे का और भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए आरआरबी हो गया, एएलपी जेई हो गया, है ना, तो जेई तो आरपीएफ के बाद होगा, बट आरपीएफ का जेई से पहले होगा एग्ज़ाम। अभी आरपीएफ का दोस्तों एग्ज़ाम डेट वगैरह बताऊँगा आप लोग को इस वीडियो में, जो कि आप लोग का लगभग आउट हो चुका है। अब देखिए कैसे क्या होता है, आप लोग को बताया कि इसका एग्ज़ाम भी टीसीएससी करवाने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है रेलवे का टीसीएससी वेंडर कंफर्म हो गया है कि एसएससी का एग्ज़ाम, आप लोग का एसएससी बोल रहा हूँ, रेलवे का एग्ज़ाम जो है आप लोग का टीसीएससी करवाएगा, है ना, आरआरबी का। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि अभी आप लोग का जो है मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, मेन उद्देश्य तो आप लोगों की फ़िलहाल तो है, सबसे पहले अभी जो है रिजल्ट, जो आप लोग का जो है एडमिट कार्ड आने वाला है, वो आप लोग का एएलपी का आएगा, है ना। एएलपी का एडमिट कार्ड आप लोग के आने की संभावना है, जो कि आप लोग को 10 दिन के अंदर आप लोग को एएलपी का एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है आप लोग को। और एएलपी के एडमिट कार्ड आएंगे, जिसकी एग्ज़ाम जो है लगभग अक्टूबर में पूरा चलेगा एग्ज़ाम, और फिर अक्टूबर के लास्ट में आप लोग की जो है एडमिट कार्ड आएगी, जो कि आप लोग का होगा इसका टेक्नीशियन का, आरआरबी टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का आप लोग जैसे आप लोग देखेंगे तो नवंबर में आप लोग का जो है 15 नवंबर तक आप लोग का उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा वो आरपीएफ का ही होगा। ठीक है, तो नवंबर के लास्ट में आप लोग का आरपीएफ का एग्ज़ाम होने की संभावना है, और ये 90% संभावना क्या है, 90% आप लोग का एग्ज़ाम जो है नवंबर के लास्ट से शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग ने बहुत सारे पेपर कटिंग देखे होंगे जिसमें दिखा होगा कि इस साल के अंत में आप लोग का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 24 में ही होगा, 25 में आप लोग की रिज़ल्ट आएगी भले, लेकिन 24 में आप लोग का जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि एसआई का एग्ज़ाम होगा और कांस्टेबल का, पिछले बार जो बंदे फॉर्म भरे थे उनको पता होगा कि पिछले बार से कम कंपटीशन इस बार है फॉर्म के माध्यम से, है ना, फॉर्म कम गए इस बार। लेकिन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसके अलावा बात करते हैं अगर सीट की, तो सीट्स कम है तो इसके हिसाब से फिर जो है कंपटीशन फिर हाई है, क्योंकि सीट्स कम है ना, सीट्स बहुत ज़्यादा कम है तो आप लोग का जो कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, अभी आप लोग एक और चीज़ देखिए कि आप लोग को फिलहाल मेन फोकस क्या करना है। तो देखिए, मेन फोकस आप लोग का जो है एग्ज़ाम पे करना है, और देखिए एग्ज़ाम आप लोग का नवंबर के लास्ट में होगा, ये मैं कह रहा हूँ। अभी मैं आपको किस तरह से समझाऊँ आप लोग खुद समझ जाइए। ठीक है, समझना इस तरीके से है कि आप लोग को पता होगा कि 2 महीने से पहले आप लोग की जो है एग्ज़ाम सेंटर बनती है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर बनती है, मान लीजिए जैसे किसी का आपका मान लीजिए कोई कॉलेज है, है ना, आपके पास कोई कॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली में आपके पास कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में आपको जो है एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीसीएस के, है ना, फिर आप लोग के सीडेक के एग्ज़ाम होते हैं, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी वगैरह के, तो उसमें आप लोग को जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम होने से 2 से 3 महीने पहले आप लोग की जो है आप लोग के पास एक ऑडिट जाता है, आप लोग के पास एक ऑडिट लिस्ट जाती है कि आप लोग का इस डेट से आप लोग के इतने बीच में आप लोग का बफर डे है, इसमें आप लोग की एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इतना खुद समझ लीजिए कि बफर डे जो है लगभग इस यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, और मतलब इसी महीने जो अक्टूबर शुरू होने वाला है उसमें ही और नवंबर में होने वाला है, और नवंबर के लास्ट तक आप लोग की आरपीएफ की शेड्यूल है। आप लोग की आरपीएफ की बात करें तो आप लोग की आरपीएफ की एसआई के एग्ज़ाम्स और कांस्टेबल के एग्ज़ाम लगभग साथ ही चलेगी, है ना, एसआई के एग्ज़ाम पहले होगी, कांस्टेबल के एग्ज़ाम बाद में होगी, लेकिन कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगभग दोस्तों आप लोग को 1 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल का फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म कांस्टेबल में गए हैं और उसके बाद एसआई में, तो लगभग 20 से 25 दिन यानी कि 1 महीना लगभग आप लोग का उसमें लग जाएगा, यानी दिसंबर आप लोग का हम पकड़ लीजिए, दिसंबर तक आप लोग का जो है एग्ज़ाम होते रहेगा। ठीक है, जिस तरह से SSC GD का एग्ज़ाम होता है 1 महीने 1.5 महीने चलता है, उस तरह से उतना ही महीना, पौना महीना, 1 महीना आप लोग का जो है आरपीएफ का एग्ज़ाम चलेगा। अभी आप लोग को ये बात मैं बोल दिया हूँ कि सेंटर पे आप लोग की अपडेट मिल चुकी है कि आप लोग की एग्ज़ाम्स आरपीएफ की जो है नवंबर के लास्ट तक होने वाली है, है ना। अभी मैं आपको अगले वीडियो में आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसकी मेल वगैरह जो आती है सेंटर पे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, है ना। तो आप लोग वो चीज़ ध्यान दीजिए कि उसके हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है। अभी आप लोग को तैयारी किस तरीके से करना है वो भी देख लीजिए एक बार। तैयारी के लिए आप लोग को बोल दूँ कि देखिए, आप लोग ऑनलाइन यहाँ वहाँ से जो पीडीएफ ले रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि पीडीएफ ले लीजिए, उससे बढ़िया आपको बोल दूँ कि आप लोग एक पूरी बुक ले लीजिए, जिसमें आप लोग को
कॉन्सेप्ट वाइज बताया जाए, है ना। तो देखिए बता दो आप लोगों की आरपीएफ के लिए कॉन्स्टेबल और एसआई की कॉमन तैयारी करने के लिए आप लोग के लिए यहाँ पे एक मैं बताता हूँ आप लोगों का बुक है जो कि A1 बुक सोल्यूशन है। और दोस्तों ये लगभग आपको फ्री में बुक मिल रही है आपको। अब कैसे लगभग आपको फ्री में मिल रही है वो देख लीजिएगा। A1 बुक सोल्यूशन की जो बुक है आप लोग कॉन्स्टेबल एसआई के लिए जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आप लोग खास होने वाली है, यहाँ पर दोस्तों फुल सिलेबस गाइड है। यहाँ पर दोस्तों सिलेबस यानी कि जो भी आप लोग की एग्जाम में आती है उसकी पूरी सिलेबस दी हुई है चैप्टर वाइज, और उसके चैप्टर के बाद में दोस्तों आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी दिया और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर के साथ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आपको सब कुछ दिया हुआ है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन विथ आंसर है ना, तो आप लोगों को वो दिया है। फिर एग्जाम के लिए सर्वोत्तम आप लोग के लिए होने वाला है सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित। इसमें दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश हिंदी नहीं आता है आप लोग का, 35-35 आप लोग का जीके, 35-35 आप लोग का जो रीजनिंग और मैथ्स आता है, बाकी 50 मार्क्स का दोस्तों आप लोग का जीके आता है। तो बस दोस्तों इतना आप लोग को इस बुक से पढ़ लेना है, तो आप लोग भी दोस्तों इस तरीके से वर्दी पहन सकते हैं, है ना। आप लोग को बस इतना बुक पढ़ लेना, आप लोग को इस बुक को लेना कैसे वो भी देख लीजिए एक बार आप लोग। तो देखिए इस बुक का आपको लेने के लिए सिंपली जो है ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे एक मैं दिखा रहा हूँ अपना का आप लोग के पास स्कैनर दिखा रहा हूँ। इस स्कैनर पे आप लोग को पे करना है मात्र 50 रुपीज़। अब दोस्तों 50 रुपीज़ में एक टाइम का आप लोग को नाश्ता नहीं मिलता है, आप लोग इस बुक को लेके तैयारी कर सकते हैं अपना, ठीक है, अपनी लाइफ को आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं मात्र 50 रुपीज़ में, आप लोग को करना कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ऑनलाइन PDF सेल, स्कैन दिस कोड फॉर पेमेंट। जैसे आप लोग इसको स्कैन करेंगे तो आप लोग को दोस्तों एक पेमेंट पेज खुल जाएगा। पेमेंट पेज जैसे खुलेगा आप लोग को वहाँ पे 50 रुपीज़ खाली पे करना है, मात्र 50 रुपीज़ आप लोग को पे करना है। जैसे आप लोग पेमेंट वहां करेंगे तो आप लोग को वहां पे स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, ठीक है। पेमेंट चाहे आप कोई भी ऐप से करिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, ठीक है, मोबीक्विक, किसी से भी करेंगे, चाहे बैंकिंग कोई आप लोगों का ऐप होगा उससे करेगा स्कैनर से। तो करने का दोस्तों आप लोग जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे यहां पे आप लोग को उसका स्क्रीनशॉट, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कर लेना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आप लोग को व्हाट्सएप पे करने के बाद दोस्तों आप लोगों को 10 मिनट के अंदर आप लोग के पास बुक भेजने की प्रक्रिया आप लोग की शुरू हो जाएगी, है ना। तो बस आप लोग को इसी तरीके से करना है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहीं पे छोड़िए। इस वीडियो में जितना बोलना था आप लोग सुन लिए हैं, इस वीडियो को यहीं पे छोड़िए और जो है अभी तक आप लोग जाइए तुरंत इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पेमेंट करिए 50 रुपीज़ का, और ये बेहतरीन बुक जो है आप लोग A1 बुक सोल्यूशन का ये बुक आप लोग जो है इस बुक को जरूर लीजिए। इस बुक को पढ़कर आप लोग 120 में से कम 80-90-100 मार्क्स आप लोग का इजीली आ सकता है। जीके में 50 में 50 लाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, बट 35 में 35 रीजनिंग और 35 में 35 मैथ्स लाना एक बहुत ही इजी हो सकता है आप लोग ये बुक पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। आप लोग को मैंने एग्जाम डेट के बारे में अपडेट कर दिया, जैसे आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए जो प्रूफ दिखा दूंगा कि आप लोग की प्रूफ आई है एग्ज़ाम इंटीमेशन का, तो आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स वॉचिंग वीडियो।